आपको याद है कि रमजान में हमने एक कंपटीशन किया था, किस किस को याद है और किस किस ने देखा था? आपने पार्टिसिपेट भी किया। टोटल कितने एपिसोड हुए थे? 12? नहीं, कौन बताएगा टोटल कितने एपिसोड थे? नहीं, आपने नहीं बताना। लाहौर में तो थे, कराची में भी थे। कितने थे? अरे लाहौर का बता दीजिए, लाहौरियों से लाहौर का पूछ लेते हैं। लाहौरी लाहौरी है जी। नो वो भी तो यानी हुए थे, 5 से ज्यादा थे। हमारे लिए 6 हुए थे, आप लोग थे 8। सेवन सेशन हुए थे, सेवन सेशन हुए थे। अच्छा, तो उन्हीं में से हमारे दो साथियों ने हमारे लाहौर के कंटेस्टेंट थे और दोनों ने सेकंड पोजीशन हासिल की। कल हमने अवार्ड सेरेमनी की थी कराची में, जिसमें हमने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के अवार्ड दिए थे। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारी बहुत ही अच्छी एक एक्टिव लीडर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, माशाल्लाह से सीनियर डायमंड भी हैं, एग्जीक्यूटिव सीनियर डायमंड भी हैं और बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं शमीम अख्तर। तो उन्होंने जो है वो इस बार बिना फ्रूट ट्रैफल की डिश बनाई थी और उसमें उन्होंने फर्स्ट जो है वो प्राइज उन्होंने विन किया। इसी तरीके से सेकंड प्राइज में जो है वो लाहौर के जो है वो एक खातून और एक साहिबा ने विन किया, नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, सस्पेंस है, ठीक है ना। और तीसरा इनाम जो कराची में हमारे दो खवातीन ने विन किया, वो ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है वो लीडर्स हैं और बहुत अच्छा जो है वो काम करती हैं, मिस कांदा और अपने क्या कहते हैं मिस शबाना, तो शीबा, इन दोनों ने जो है वो तीसरी पोजीशन हासिल की। तो लाहौर में जो जो साहबान हैं उनकी अनाउंसमेंट के लिए मैं दावत दूंगा अपने कंट्री मैनेजर मसीह जमान साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और उनके नाम तालियों में और उसके साथ साथ मैं डॉक्टर खानजादा के साथ को भी जो है वो स्टेज पे आने की दावत दूंगा। डॉक्टर खानजादा, किताबों में रोशनी ना रही जी, वो तो मिस्टर मसीह जमा इस्लाम एक पीछे देना होगा, वो दो बच्चे भी हैं इस्लाम पीछे। आ जाते हैं।
का कोई बदल नहीं होता भैया मेरे। और हमारी दूसरी विनर जो है मिस जुनेरा मसूर, सबसे कीमती जो टाइम है वो निकाल के आज यहाँ पे आप आए हैं। तो हम चाहते हैं जब हम एक डीएक्सएन फैमिली हैं, अब ये नहीं है कि मेरी टीम है तो मैं ही सबको इनवाइट करूँ या ये तो बस उनके लोग आए, जिस दिन जो भी सेशन हो इसी तरह हमारा हाल फुल होना चाहिए। कम से कम जो लाहौर के जो मेंबर्स हैं वो आप इतना, मैं आप सियालकोट से आया हूँ तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर जब हमने जो ट्रेनिंग सिस्टम जो पहले कभी था मैं मिस मदिया और जो हम कर रहे थे कि नॉलेज जो है हम इंशाल्लाह आप लोगों को हर तरह के देंगे। अभी तो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा आ गई हैं तो 4 जून को ये जो सैटरडे आ रहा है दोबारा से हमने ब्यूटी सेमिनार रखा है यहाँ पे जिसमें लाइव डेमो सेशन होंगे। बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन करते हैं कि हमें बताएं कि वाकई रिजल्ट हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के, तो आप ऐसे लोगों को लेके हैं कि बाकी आप अपनी आंखों से जाके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 300-400 की गैदरिंग में जाके लाइव स्टेज के ऊपर डेमो करके दिखाते हैं ये हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं और गारंटेड और पूरे अपना पैशन के साथ। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ उसकी टिप्स जो है वो होना जरूरी है। 4 जून को मिस्टर गिल्हा के यहाँ लाइव डेमो सेशन होगा शाम 4 बजे से 6 बजे तक, 2 घंटे का चला सेशन होगा। तो आप लोग उस टाइम में बिल्कुल फ्री भी हो सकते हैं और आगे सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छा सेशन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के और इतना क्राउड, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 4 जून को भी इतना क्राउड होगा और आपको मजीद डिटेल ही बताएंगे क्योंकि उस दिन आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि फेस पे हमारी डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स क्या रिजल्ट दिखाती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब आगे खुश रहिए, खुश बाजता है और सितारों से जहाँ और उम्मीद बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, वो कहीं पर भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जो है जो शायर मशरक लामा इकबाल का अपने उनके सिटी से हूँ कि मेरा तर्ज तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तर्ज तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अच्छा जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं वो बैठे रहेंगे।